तो वो इन दिनों सोशल मीडिया पे एक बड़ी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। जंग, जी हाँ जंग, जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को जबरदस्त टारगेट करने में लगी हुई है। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को कंफ्यूज। अब परेशानी किसकी है, नुकसान किसका है? आपका। क्यों? क्योंकि आप मुश्किल से तो मन बना रहे थे कि किससे सीखें, अब दोबारा से कंफ्यूजन पैदा हुई है कि किससे सीखें। सवाल वही है, किससे सीखें? अब क्वेश्चन मार्क बहुत ही बड़ा हो गया है, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एक फ्री ट्रेनर से सीखूं या एक पेड ट्रेनर से सीखूं। दोस्तों, दोनों ही तरह की बातें अपने सामने हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें फ्री ट्रेनर से सीखना चाहिए या एक पेड ट्रेनर से सीखना चाहिए। बड़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं ट्विटर पे, यूट्यूब की वॉर चल रही है आपस में। अरे भाई ये कुछ नहीं सिखाता, अरे भाई पैसे लूटता है, ये यूट्यूब से कमाता है, इसकी यूट्यूब की इनकम पता करो, इसका P&L मंगाओ तो इससे सीखना। दोस्तों, ये वीडियो मुझे नहीं मालूम कि आपको वो मैसेज देने में कामयाब होगी या नहीं होगी, बट हाँ एक प्रॉमिस आपसे कर सकता हूँ कि इस वीडियो के अंत में आपको वो मैसेज जरूर मिल जाएगा जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको फ्री ट्रेनर के साथ रहना है या आपको किसी भी पेड ट्रेनर के साथ जाना है। दोस्तों, समझ लेते हैं कि फ्री ट्रेनर कौन होता है और पेड ट्रेनर कौन होता है। एक फ्री ट्रेनर एक ऐसा ट्रेनर है जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छा खासा अपने एक्सपीरियंस है और वो एक चैरिटी करना चाहता है। वो चाहता है कि हर कोई फ्री में ही सीखे। अच्छी बात है, बहुत ही नेक सोच है, करनी चाहिए, सलाम है, थैंक यू सो मच इस अभियान में जुड़ने के लिए। जी हाँ, हमें ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स की आवश्यकता है इस पूरे वर्ल्ड में लोगों को सिखाने समझाने के लिए, जिसमें फ्री और पेड दोनों ही शामिल होंगे। अब बात करते हैं फ्री ट्रेनर की खासियत क्या होती है। फ्री ट्रेनर एक ऐसा ट्रेनर होता है जिसका मन बड़ा ही पवित्र होता है, बहुत शांत स्वभाव का वह इंसान होता है। उसको लगता है कि मैं हर व्यक्ति को फ्री में वो सारा ज्ञान दे सकता हूँ, फ्री में वो सारी ट्रेनिंग दे सकता हूँ जो महंगे से महंगे पेड प्रोग्राम्स में मिलती है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, शानदार बात है, होनी भी चाहिए। अगर एक फ्री ट्रेनर की रीच हर आदमी तक हो सकती है, हर उस इंसान तक हो सकती है जहां वो पहुंचना चाहता है, तो उसको पहुंचना चाहिए। फिर उसको ये नहीं देखना चाहिए कि उसके रास्ते में कितने पत्थर आ रहे हैं, कितने स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, कितने सारे पेड ट्रेनर्स को लांग के उसको जाना पड़ेगा। दोस्तों, फ्री ट्रेनर एक ऐसा ट्रेनर जो बिल्कुल फ्री है, माइंड से भी फ्री है, सर्विसेज देने के लिए बिल्कुल फ्री है। वो चाहता है कि वो अपनी सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब पेड ट्रेनर एक ऐसा ट्रेनर है जिसके पास भी एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, उसके पास भी एक ट्रेडिंग का अनुभव है, उसने भी कुछ पैसा गंवाया है, सीखा है मार्केट से, कहीं कुछ देख के सीखा होगा, कुछ पढ़ के सीखा होगा, कुछ करके सीखा होगा, कुछ पैसा बाजार को दे के सीखा होगा। अब ये आदमी सोचता है कि मुझे कोई ऐसा कोर्स डिजाइन करना चाहिए जिसके लिए मैं लोगों तक पहुंचूं, उन लोगों से उसके एवज में कुछ फीस लूं। ये भी सोच गलत नहीं है, ना तो फ्री ट्रेनर की सोच गलत है, ना ही पेड ट्रेनर की सोच गलत है। तो गलत क्या है? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको शायद ये हेल्प करेगा कि आपको अंत में सीखना किससे है। मैं बिल्कुल भी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको फ्री वाले के पास ही जाना चाहिए, ना ही मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पेड वाले के पास ही जाना चाहिए। अब समझ लेते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके स्कूल दिनों से। हमारे आसपास दो तरह के स्कूल्स होते हैं, एक होते हैं सरकारी स्कूल, एक होते हैं प्राइवेट स्कूल्स। सरकारी स्कूलों में सरकार फ्री में एजुकेशन देती है, वहीं प्राइवेट स्कूल वाले एक अच्छी खासी फीस लेते हैं जो 100 रुपए से लेकर 1000 लाखों रुपए तक की फीस हो सकती है। अगर आप महंगे से महंगे पॉश स्कूल में जाएंगे तो हो सकता है आपकी 1 लाख रुपए से ज्यादा की महीने की फीस भी हो, वहां भी स्कूल में वैकेंसीज नहीं होती, वहां भी भरमार होती है। और वहीं एक सरकारी स्कूल में भी सारी सीट्स बुक होती हैं, वहां भी बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी IAS IPS बनते हैं, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री स्कूल में पढ़ने से ही आप IPS बनेंगे। कोई स्कूल आपको IPS नहीं बनाता दोस्तों, IPS IAS या सक्सेसफुल बनाती है आपकी इच्छा, आपका दृढ़ निश्चय, आपकी इच्छा शक्ति, आप क्या करना चाहते हैं, आपका गोल, आपके एम्बिशंस क्या है, कैसे पहुंचेंगे, क्या ब्लूप्रिंट बनाया है, किस परिस्थिति में आप हैं और कहां किस परिस्थिति में जाना चाहते हैं, किस रास्ते से ट्रेवल करते हुए आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे, आपका ब्लूप्रिंट बहुत तैयार होता है। दोस्तों, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे या जो फ्री स्कूलिंग लेते हैं वो कामयाब नहीं होते, वो भी बहुत कामयाब होते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि जो पेड स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, जहां वो एक अच्छी खासी फीस पे कर रहा है, वो फीस 5000 रुपए महीने से लेकर 50000 रुपए लाख रुपए महीने तक की फीस हो सकती है। जी हां, स्कूलों की फीस लाख रुपए महीना भी है, मैं आपको बता दूं। तो क्या वहां पे आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी? क्या वहां पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है? दोनों जगह मिलती है। आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, वहां पे कितने बच्चे सीरियस होते हैं, प्राइवेट स्कूलों में कितने बच्चे सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेकर। दोस्तों, दोनों के अंतर आपको मालूम है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं आपके कॉलेज के दिनों में।
कॉलेज मेरे ख्याल से कोई भी फ्री नहीं होते दोस्तों। अगर आप किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या कलकत्ता यूनिवर्सिटी या बेंगलोर यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो वहाँ पे एक फीस तो आपको पे करनी ही है। अब आप वहाँ जाके ये शिकायत नहीं कर सकते मुझे MBA करना है फ्री में पढ़ाओ, मैं MBA करना चाहता हूँ फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ मुझे फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, या मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ मुझे फ्री में पढ़ाओ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ मुझे फ्री में पढ़ाओ। दोस्तों मुझे मालूम है इस वीडियो में बहुत सारी ट्रोलिंग होने वाली है, मैं इस ट्रोलिंग का स्वागत करता हूँ अभी से और आज से ही। सुनिए ध्यान से इस चीज़ को लेकर, अब अगर आप पायलट बनना चाहते हैं लाखों रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी, बट अगर आप इस लायक हैं कि YouTube पे आपकी वीडियोस मिल जाएं आपको और कोई फ्री ट्रेनर आके आपको एरोप्लेन उड़ाना सिखा दे तो शायद आप पायलट बन जाएं। तो क्या आप पायलट बन पाएंगे? चलिए, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बन पाए। अब बात करते हैं दूसरे किसी पहलू की, फ्री ट्रेनर के फायदे क्या है दोस्तों। उसके पास नॉलेज होती है बड़ी शानदार, उसके पास एक्सपीरियंस होता है बड़ा शानदार, उसके पास इच्छा होती है बड़ी पवित्र, बड़ी ऑनेस्ट, वो ऑनेस्टी से सबके सामने अपनी पूरी नॉलेज देना चाहता है। दोस्तों मेरी टी शर्ट पे आपको एक कोट दिखाई दे रहा होगा, आई नीड मनी नॉट ए जॉब। इसका मतलब क्या है कि मुझे पैसा चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। दोस्तों हर इंसान जो भी स्टॉक मार्केट की तरफ आता है वो पैसा कमाने के लिए आता है, वहां से पैसा कमा के चैरिटी करने के लिए कोई भी नहीं आता, एक सिंगल बंदा नहीं आता, एक इन्वेस्टर नहीं आता, एक ट्रेडर नहीं आता, सब झूठ है। अगर कोई बोलेगा मुझे चैरिटी करनी है इस पैसे को कमा के, सब झूठ है, सफेद झूठ है। दोस्तों फ्री ट्रेनर के पास नॉलेज है, समय दे देगा आपको YouTube पे आके, आपको सोशल मीडिया पे आके, बट अगर हजारों स्टूडेंट्स को उससे पढ़ना होगा तो क्या वो एक वेन्यू बुक कर सकता है? क्या वो अपना टाइम दे सकता है? क्या वो सिटी टू सिटी ट्रेवल कर सकता है जाके लोगों को पर्सनली अटेंशन देने के लिए? जी नहीं, वहां उसकी लिमिटेशन है भाई। पे ट्रेनर आपके एसेट्स बुक करेंगे, अपने हॉल बुक करेंगे, सभी चीजें करेंगे। जी हाँ, पे ट्रेनर कमाता है, उसमें शक क्या है? पढ़ा है, लिखा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है। दोस्तों हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यही अंतर है, पे ट्रेनर स्मार्ट वर्क करता है, एक फ्री ट्रेनर हमेशा हार्ड वर्क करता रहता है। ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेनर के फॉलोअर्स नहीं होते, उसके भी फॉलोअर्स होते, बहुत सारे होंगे, हजारों लाखों फॉलोअर्स होंगे, बट 125 करोड़ की जनता में कितने सारे लोगों को फ्री ट्रेनर्स पहुंच सकते हैं? तो सब बात फ्री ट्रेनिंग की या पेड ट्रेनिंग की नहीं है, बात उस ट्रॉलिंग की क्वालिटी की है, बात उस बहस की क्वालिटी की है। मैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े सारे जबरदस्त लोग हैं जिनके चैनल पे 8-8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 8-8 लाख सब्सक्राइबर्स, आपस में कैसी छीटा कैसी चल रही है, अरे भाई तू अपनी एजुकेशन जाके देख, अरे भाई तूने क्या सीखा है, तेरे पेरेंट्स ने तुझे क्या सिखाया है। दूसरा आदमी कहता है ये गिद्ध है, ये वल्चर है, फलाना ढिकाना। एक आदमी दूसरे की इनकम में झांकने में लगा हुआ है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जो आपके पेरेंट्स कमाते हैं, जो आपके पेरेंट्स कमाते हैं, जो तनख्वाह अपने घर लेके आते हैं, वो अपने सगे भाई को नहीं बताते, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, अब कोई कोई तो अपनी बीवी और कोई कोई पत्नी अपने पति को भी नहीं बताती कि वो क्या कमा रहे हैं बैठ के। जब आप अपने सगे संबंधियों में अपनी पूरी तनख्वाह नहीं बताते, पूरी इनकम नहीं डिस्क्लोज करते, तो मैं इस ट्रॉलिंग के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि जाइए पहले अपना P&L दिखाइए, अपनी इनकम दिखाइए, फिर जाके किसी को ट्रेनिंग दीजिए। दोस्तों एक बात बताइए, आज के ज़माने में अगर सपोज कीजिए मैं आपको अपनी 2-3 करोड़ रुपये की इनकम आपको सामने दिखा दूँ तो क्या मेरे पीछे लोग नहीं लग जाएंगे? क्या सोशल मीडिया पर मैं ऐसे लोगों को इन्विटेशन नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पीछे पड़ जाए, या वो लोग, सपोज आप मान लीजिए मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। दोस्तों एक चीज़ मैं बोल दूँ, मेरे किसी पेड ट्रेनर से कोई मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही इस वीडियो को बनाने के लिए, बट हाँ वो कमेंट के ऊपर डिस्कशन जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं कि अरे भाई सीखूं किससे, ये तो करोड़ों रुपए कमा रहा है। भैया एक यूट्यूबर के ज्वाइन बटन को यूज करके 200-200 रुपए इतने लोगों ने उसको दे दिए, वो तो लाखों रुपए महीने कमा रहा है। अरे भाई ये उसकी स्मार्टनेस है, उसका स्मार्ट वर्क है, जिंदगी बिता दी उसने इस बाजार के अंदर में, आज अगर वो अपने एक्सपीरियंस से कमाने आया है तो गलत क्या है? आपके बस की है तो आप कमाइए, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कीजिए, किसी ने आपका हाथ रोका है? आप चैनल बनाना चाहते हैं बनाइए, आप पेड प्रोग्राम्स करना चाहते हैं कीजिए, किसी ने आपका हाथ रोका है? नहीं। तो बेवजह ये लोगों को कंफ्यूज करना कि भाई मेरी ट्रेडिंग देख लो, मेरी ट्रेडिंग देख के सीख लो, मैं क्यों सिखाऊं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी जो ज्ञान बांटते हैं, बहुत सारे पेड चैनल्स का कंटेंट बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर मिलेगा, थैंक यू मिलता है, बहुत बढ़िया कंटेंट मिलता है, क्रिस्प नॉलेज मिलती है, मजेदार। सर मुझे एक बात बताइए, जब लोग आपसे पर्सनली सवाल करते हैं तो क्या आप अवेलेबल हैं? लोग आपको पर्सनल व्हाट्सएप करना चाहते हैं, क्या आप अवेलेबल हैं? मैं फ्री ट्रेनर से पूछना चाह रहा हूँ, कोई भी फ्री ट्रेनर अपना टाइम नहीं देगा, पता है क्यों? कहेगा पैसे थोड़ी ना लिए जो तेरा सवाल का जवाब दूंगा मैं, अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ना है, फ्री ट्रेनर की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। पेड ट्रेनर को आप गाली गलौज कर सकते हैं, ट्रोलिंग कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं उसकी टीम को या उसको खुद को, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो खुद भी अवेलेबल होते हैं, टाइम नहीं होगा तो मैसेज पर रिप्लाई करेंगे, वॉइस मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टेलीग्राम मैसेज करेंगे, कुछ तो करेंगे, टीम से मैसेज करवाएंगे, नहीं होगा तो कम से कम कंप्लेंट कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो, बोल सकते हो, गुस्सा निकाल सकते हो। फ्री ट्रेनर कहेगा भैया तेरे से पैसे लिए हैं, तेरे को नुकसान हो गया तो नहीं होना, तो मैं तेरे को दोबारा क्यों सिखाऊं? पेड ट्रेनर हालांकि ये कर सकता है कि अगर मान लो उसकी किसी स्ट्रेटजी में कोई ट्विस्ट है
तो आपको वो थोड़े से पैसे लेके हो सकता है फ्री में भी आपको दोबारा कोई स्ट्रेटजी बता दे, क्योंकि उसने आपको एक प्रोडक्ट बेचा है, दूसरा प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको फिर वही कस्टमर चाहिए, तो वो आपके साथ हमेशा बंद के रहेगा, वो आपको अपने साथ रखेगा, आपका नुकसान ना हो इसका ध्यान रखेगा, ये पॉसिबिलिटी पूरी होती है। पे ट्रेनर की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई भी नहीं, जीरो, वो एक मिनट में पल्ला झाड़ेगा, चैनल बंद करेगा, चला जाएगा, उसको क्या मतलब है, पैसे थोड़ी ना कमा रहा बैठ के, क्योंकि पैसे कमाए होते तो भैया जाके कुछ रिप्लाई बनाता, कुछ ऐसी चीज लेके आता जिससे और बड़ा शानदार फायदा होता। दुनिया में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मनी। जो इंसान ये बोलता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, झूठा है वो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कुछ भी हो, सब पैसे के लिए काम करते हैं। हर धर्म में पैसा है, हर धर्म के पीछे पैसा है। जब धर्म से पैसा जुड़ा हुआ है, हमारे कर्म से पैसा जुड़ा हुआ है, तो इसको कहने में, शर्माने में क्या हर्ज है कि जी हाँ मैं पेड ट्रेनर हूँ, या मैं पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता हूँ, मैं अपना P&L क्यों दिखाऊँ किसी के भी कहने से। आपको सीखना है, सीखे, नहीं सीखना नहीं सीखिए, आप जाके उनके चैनल्स पर देखिए वो क्या प्रेडिक्शंस करते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं, आपको लगता है उनसे सीखना चाहिए, सीखिए। कभी स्कूल में जाके टीचर से तो नहीं पूछा कि सर आप इंजीनियर हैं क्या जो इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, क्या आप केमिकल इंजीनियर हैं जो आप केमिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। जब अपने टीचर्स में, स्कूल में, कॉलेज में, हायर स्टडीज में नहीं पूछते, तो स्टॉक मार्केट के ट्रेनर से आप उनका पेंडल कैसे मांग लेते हो। और अगर मांग भी लेते हो किसी के कहे से, आपके दिमाग में बहुत सारा इन्फ्लुएंस आ गया ना कि पेड ट्रेनर से उसका पेंडल मांगो, एक साल का पेंडल मांगो। अगर किसी पेड ट्रेनर ने आपको अपने एक साल का करोड़, दो करोड़, पांच करोड़ दिखा भी दिया, तो क्या गारंटी है कि उसका पेंडल का प्रॉफिट देख के आप सीख जाओगे। दोस्तों, जिस भी ट्रेनर ने या जो भी ट्रेडर है जो पैसा कमाता है, उसके पीछे स्ट्रेटजी नहीं होती, उसके पीछे दिमाग होता है, दिमाग, उसके पीछे टेंशन होती है, उसके पीछे हार्ट बीट होती है, उसके पीछे ब्लड प्रेशर होता है। जी हाँ, जब आप ट्रेड लेते हो, आपकी पोजीशंस आपके अगेंस्ट जाती है ना, उसको मैनेज करना पड़ता है। हर ट्रेडर सिंगल ट्रेड में पैसा नहीं बना सकता, उसको मैनेज भी करना पड़ता है। जिसके पास पैसा है वो मैनेज करेगा, सपोज कीजिए एवरेज करेगा, 100 रुपये पे स्टॉक लिया, उसको लगता भैया 80 पे सपोर्ट है, 80 पे बाइंग करूंगा, दुनिया 80 पे स्टॉप लॉस लगाएगी। उसके पास पैसा होगा तो 80 पे और बाइंग करेगा, उठा के लेके जाएगा अपने स्टॉक को। वो उसकी स्ट्रेटजी है, उसने कितनी टेंशन ली, उसने कितनी कैपिटल लगाई। क्या आपके पास उतनी कैपिटल है? क्या आपके पास उतना पेशेंस है? क्या आपकी हार्ट बीट उतनी स्ट्रांग है कि जितनी पेशेंस, जितना टेंशन उस बंदे ने ली वो पैसा कमाने के लिए, जो आपको किसी के कहे से एक बार में दिखा दे, आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। एक सौदा जरा सा 10 पैसे, 20 पैसे, 58-54 आपके अगेंस्ट हो जाए, आपकी हार्ट बीट ऐसे ऐसे होने लग जाती है, होती है ना। तो जिसने पैसा कमाया होगा, सपोज को 2-4 करोड़ रुपए कमा भी लिए, तो आपको ऐसे दिखा दे बैठ के, क्यों दिखा दे? और दुनिया को सोशल मीडिया पे बता के, भैया देखो मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, चोर, उचक्के, लुटेरे, किडनैपर, स्मगलर्स, इनको पीछे लगा दे, उनकी फैमिली को डेंजर में डाल दे कि भैया आओ, मैं करोड़पति आदमी हूं, मेरे पीछे पड़ जाओ बैठ के, मेरी फैमिली को किडनैप कर लो, मेरे से रैनसम मनी मांगो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? सोशल मीडिया पे अगर आप अपने पैसे को देखिए किसी को इन्फ्लुएंस करते हो, दिस इज इलीगल, लेट मी टेल यू। सेबी इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है, सेबी कभी भी अलाउ नहीं करता है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने पेंडल सिखाओ। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, सेबी का ये रूल नहीं है और ना ही आपको दिखाना चाहिए। अगर सेबी का रूल हो भी, तब भी आपको नहीं दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? आप अपनी सेफ्टी को, अपनी फैमिली की सेफ्टी को ताक पर रख देंगे किसी एक बंदे के कहने से। एक बंदा कनाडा बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, या इंडिया में भी बैठा हुआ है, वो आके सभी को चैलेंज करने लग जाता है, चिल्लाना शुरू कर देता है बैठ के, अरे भाई पेड ट्रेनर्स लाखों रुपए कमा रहे हैं। हाँ, कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी स्किल से। पब्लिक को फेस करना, पब्लिक के सवालों को फेस करना, उनको रिप्लाई करना, सबके बस की नहीं होता। टू बी अ टीचर इट टेक्स सम गट्स। इफ यू कैन बी अ टीचर, बिकम अ टीचर। किसने रोका है? बनना चाहते बनो ना। लोगों के सवाल झेलने पड़ेंगे भैया, समय देना पड़ेगा, अपने इंपॉर्टेंट समय में से समय को काट के आपको देना पड़ेगा। क्या एक फ्री ट्रेनर अपना समय आपको देने को तैयार है? कभी भी नहीं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को आपसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बट एक पेड ट्रेनर अपनी पर्सनल लाइफ में से भी समय निकाल के आपको जरूर देगा, क्योंकि ही इज अकाउंटेबल टू आंसर यू। उसके पीछे सबसे बड़ा लालच क्या है? हो सकता है उसने आज ए प्रोग्राम बनाया हो, आपसे शेयर करेगा। हो सकता है उसके पास बी प्रोग्राम हो, वो आपसे शेयर करे छोटी सी फीस लेके। हो सकता है कुछ और उसके सेशंस आए, हो सकता है उसकी फीस चार्ज करे, बट उसको कस्टमर चाहिए। कस्टमर को नाराज नहीं करेगा बैठ के वो। तो पेड ट्रेनर हमेशा डरा हुआ रहता है कि मेरा कस्टमर मेरे को बदनाम ना कर दे। सपोज कीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट एक बात बताओ यार, अगर स्कूल में, कॉलेज में, या कभी भी जाओगे, किसी भी एजुकेशन की बात करोगे, कितने लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे आते थे? आपकी क्लास में 40-50-100 बच्चे हुआ करते थे, तो सभी के सभी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आए थे। दुनिया उनको याद करती है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं। बट हाँ, एक चीज बोल देता हूं, कोई भी पेड प्रोग्रामर हो, कोई भी पेड ट्रेनर हो, उसने इस दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक को बढ़ा के कम से कम 10-12-15 रैंक जरूर कर दिया है। कोई भी पेड प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए, आप किसी भी ट्रेनर से सीख लीजिए, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, उसकी स्ट्रेटेजी से कम 10-15-20% ट्रेडर्स जरूर सुधरते हैं। ये बहुत बड़ी रेशियो है दोस्तों, बहुत बड़ी रेशियो है। बाकी एक बात बताओ यार, क्लास में सभी इंटेलिजेंट तो नहीं होते?
कुछ नालायक भी होते हैं, किसी की बुद्धि कुछ तरह से काम करती है, किसी की बुद्धि किसी तरह से काम करती है, ये आपकी लर्निंग स्किल्स पे भी तो डिपेंड करता है। आप उन लोगों से जाके पूछो जिन्होंने किसी भी पेड प्रोग्रामर्स के प्रोग्राम्स रन किए होंगे और आज लाखों रुपए बना रहे हैं, वो तो कहीं आके शोर नहीं मचाते, देखो जी इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, क्योंकि उनको मालूम है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, दिन रात गवानी पड़ती है, डेटा एनालिसिस करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके कोई चीज निकल के आती है। स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर हजारों वीडियो आपने देख ली होंगी, स्टॉक सिलेक्शन कर पाएगा भी जिंदगी में? स्टॉक सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज है, स्टॉक सिलेक्शन करने पर दिमाग लगाओ, स्टॉक सिलेक्शन हो गया स्ट्रेटजी बन जाएगी, कोई स्टॉक सिलेक्शन हो गया तो उसमें मूवमेंट आनी ही आनी है। दोस्तों पिछले दिनों मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली हैं स्टॉक सिलेक्शन करके, आपके लिए हिंदुस्तान लीवर दिया, आपके लिए BHEL दिया, अभी हम गेल में पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं, क्यों बना के बैठे हैं, 19 स्टॉक्स को क्यों सिलेक्ट किया, ये सीखो। अगर मान लीजिए मैं अपनी कोई स्ट्रेटजी सिखाने के लिए मैं आपसे फीस लेना चाहता हूं, ये मेरी स्किल है, आपको नहीं देनी मत दीजिए, आपके घर जाके आपसे कोई फीस नहीं लेके आ रहा है। हर इंसान, हर कंपनी, हर बंदा अपनी मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग करने के बाद अगर उसका प्रोडक्ट या सर्विस अगर आपको समझ में आता है लीजिए, नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए। क्या पतंजलि आपके घर में घुस के बैठता है कि मेरा दंत मंजन कीजिए? क्या बाबा रामदेव आपके घर में आके कहते हैं योगा कीजिए? नहीं कीजिए ना, आपका मन करता है करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। ऐसे क्या हिंदुस्तान लीवर घर आके आपके पेस्ट शैम्पू देके आता है, ऐड बनाता है भैया, उसको लगता है कि ये आपकी जरूरत की चीजें हैं, उसका कोई स्किल है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसके एफर्ट्स हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसको लगता है कि पेबैक टाइम है, उसको लगता है कोई माल बेचना चाहिए, बेचने की कोशिश करता है, एक्सपेंसेस करता है, मार्केटिंग करता है, आपको अच्छा लगता है, आपकी कनेक्टिविटी होती है, आप ले लेते हो। ऐसे जितने भी पेड प्रोग्राम्स हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो 20,000 की क्लास चलाते हो, चाहे 2,000 की क्लास चलाते हो, चाहे 2,00,000 रुपए की क्लासेस चलाते हो, अरे भाई वो आदमी में उतना गट्स है कि अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज की वैल्यू लगा सके। हर इंसान इस दुनिया के अंदर पैसे के लिए ही आया है, पैसे ही कमाएगा, जिसको पैसे नहीं चाहिए वो भीख मांगेगा। बिना पैसे के आप भीख मांगेंगे, मैं हूं चाहे आप हो, बिना पैसे के हमारी जिंदगी में ना तो दवाई आ सकती है, ना ही बेसिक नेसेसिटीज आ सकती हैं, ना फूड शेल्टर क्लोथिंग कुछ नहीं आ सकता, पैसा ही चाहिए। हम स्टॉक मार्केट को पार्ट टाइम बिजनेस करके बैठे, ये सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों जिन दिनों मेरे पास टाइम नहीं होता मैं ट्रेड नहीं डालता, ये मेरा डिसिप्लिन है, ये मैंने सीखा है। तो अगर आप अपना डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट से कभी नहीं कमा सकते। अगर आप समझते हैं स्टॉक मार्केट को एक पार्ट टाइम बिजनेस कर लेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको अगर पार्ट टाइम भी करना है तो आपको पोजिशनल ट्रेडर बनना पड़ेगा, उसके लिए भी एक बार कम से कम फोन की एप्लीकेशन में जाके देखना तो पड़ेगा चार्ट क्या बोल रहे हैं, डेटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, डिलीवरी पोजीशंस क्या बोल रही है, NSE क्या कह रही है, FIs क्या कह रहे हैं, DIIs क्या कह रहे हैं, कुछ तो देखना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड वाले क्या कह रहे हैं। अगर कोई भी आदमी आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने के लिए कोई फीस चार्ज करता है, ये आपकी विल होनी चाहिए, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको पे करना है कि नहीं करना। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मी कि आप मेरा प्रोग्राम लें। दोस्तों मैं एक पेड प्रोग्राम चलाता हूँ, बिल्कुल सच है, कोई शक नहीं है इसमें अंदर में, अभी कोई क्लासेस नहीं चल रही है, लॉकडाउन है, कोविड खत्म होगा, वैक्सीनेशन आ जाएगी, लोगों के दिल और दिमाग से कोविड निकल जाएगा, तब सेमिनार करेंगे, आपको आना होगा, आइएगा, नहीं आना होगा नहीं आइएगा, कौन जबरदस्ती कर रहा है आपसे। आप फ्री प्रोग्राम से करना चाहते हैं जाइए, फ्री की लर्निंग लीजिए। कोई फ्री का यूट्यूबर भी अगर मान लीजिए 200 रुपए का ज्वाइन बटन ऑन करके और हजारों लोगों से अगर 200-200 रुपए इकट्ठे करके लाखों रुपए कमा रहा है तो आपको तकलीफ क्या है? ये उस आदमी की स्किल है, ये उस आदमी की नॉलेज है, ये उस आदमी का दिमाग है, वो कमाने की सोच रहा है। YouTube ने प्लेटफॉर्म चैरिटी के लिए नहीं बनाया, YouTube पैसे कमाती है हमसे। जितने भी यूट्यूबर YouTube बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, YouTube उस पर एड चला के रिवेन्यू जनरेट करती है। YouTube कोई चैरिटी के लिए नहीं बनाया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फोकट में TikTok वीडियोस नहीं बनती हैं, सबके पीछे कमर्शियल्स होते हैं, सबके पीछे कॉमर्स होती है, पैसा होता है। जब हर चीज के पीछे पैसा है, आपकी मेरी जिंदगी के पीछे पैसा है, हमारे बच्चे बड़े होते हैं उनके एजुकेशन के पीछे पैसा चाहिए, फूड शेल्टर क्लोथिंग के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो भैया मैं पैसा कमाने के लिए अगर लीगल वे में एक ट्रेनर बन जाता हूं, एक ट्यूटर बन जाता हूं, एक टीचर बन जाता हूं, एक अकेडमी खोल लेता हूं या आपके पास चैनल के थ्रू आ जाता हूं, तो इसमें गलत क्या है? आप अगर फ्री में सिखाना चाहते हैं सिखाइए, किसने मना किया है? बट द वे यू आर ट्रॉलिंग ईच अदर इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मुझे किसी स्टूडेंट ने ये सब ट्रॉलिंग की ट्वीट्स भेजी कि सर देखो ये लोग आपस में कैसे लड़ रहे हैं। दोस्तों बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा बंदर फायदा उठाते हैं, ध्यान रखना, बंदर ही फायदा उठाएंगे, बिल्लियां लड़के मर जाएंगी। आपको सोचना है कि आप किस तरफ हैं। आपको फ्री में सीखना सीखिए, कोई मना नहीं करना। आपको पेड प्रोग्रामर्स को पैसे देने हैं दीजिए, कौन मना कर रहा है? आपके पैसे आपके पास, जो टाइम है वो स्पेंड करने के लिए, वो इन्वेस्ट करने के लिए, आपको जो डिसीजन लेने हैं, द डिसीजन शुड बी योर्स, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मी। मुझसे वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी के भी कहने से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आप समझ लो एक चीज को बैठ के, फ्री में भीख मिलती है दोस्तों,
भीख की इंपॉर्टेंस थोड़ी दिन रहती है, जब आप भूखे होते हैं ना वो फ्री में रोटी मिल जाए बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, आप दिल से दुआ भी देते हैं। जब आपका पेट भर जाता है ना और सामने से निकले सड़क से भंडारा लगा होता है, भंडारे की तरफ देखेंगे भी नहीं। पर वहीं अगर आप भूखे होंगे तो भंडारे की वेट करेंगे, भंडारा कहीं मिल जाए, और भंडारा मिलने के बाद, पेट भरने के बाद आप भंडारे की तरफ देखेंगे नहीं। और एक और चीज़ जो इंसान की नेचर है, व्हेन यू पे फॉर समथिंग यू रियली केयर फॉर दैट। अब समझो मेरी बात को, जब किसी के लिए आप पे करते हैं तो हमेशा सीरियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक आईफोन गिफ्ट करता हूँ फ्री में, 1,00,000 रुपए का आईफोन मैंने गिफ्ट किया फ्री में, आप क्या करेंगे? अपने बच्चों को दे देंगे, घर में ऐसे ही पड़ा दिखाई देगा क्योंकि वो फ्री का है, 1,00,000 रुपए की उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आपके बच्चे उस पर गेम खेल रहे होंगे, आप जब मर्जी उसको जहां मर्जी छोड़ देंगे, वो गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहेंगे कोई बात नहीं फ्री का यार, कोई वैल्यू नहीं है। वहीं अगर 1,00,000 रुपए का आईफोन या कोई भी फोन अगर आपने परचेज किया है तो गारंटी दे सकता हूं मिनट मिनट में चमकाएंगे, बार बार हवा लगाएंगे, बार बार मॉइस्चराइज करेंगे, स्क्रीन साफ रहनी चाहिए, गार्ड टाइम पे चेंज करेंगे, बच्चों के हाथ में नहीं देंगे, कहेंगे बेटा ये 10,000-15,000 रुपए का फोन तेरे को दे रखा है, इतना ही बहुत है, 1,00,000 रुपए के फोन को टच करने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू पे फॉर समथिंग यू रियली केयर फॉर दैट। इसलिए जब आप किसी चीज के लिए पे करते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए, किसी लर्निंग के लिए आप पे करते हैं, तो आप एक्चुअल में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप खुद ही बता दो यार, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ इस चीज को, कि आपने जितनी भी फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स देखी हैं उसके बाद क्या आप कभी दूसरी टिप एंड ट्रिक्स को ढूंढने नहीं निकले? क्या आपने उसके ऊपर 1 महीने या 6 महीने कम से कम शिद्दत से प्रैक्टिस की है फ्री की टिप्स पे? 100 में से खाली 5 आदमियों ने की होगी, जिन 5 आदमियों ने शिद्दत से फ्री की टिप्स को, ट्रेनिंग को अटेंड किया और उसको फॉलो किया लाइफ में, एक्सीलेंट, हैट्स ऑफ टू दीज पीपल, कमाल हैं आप लोग। पर 95% लोग, उनका क्या होगा? अब समझिए इस बात को लेके। मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन है, आपको लेना है लीजिए, नहीं देना है मत लीजिए। मेरे प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे मतलब किसी भी यूट्यूबर, किसी भी ट्रेनर के, आपको लेने हैं लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। फ्री प्रोग्राम है, उसके प्रोग्राम्स हैं, लेने हैं लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। किसी के कहने से इन्फ्लुएंस होने का क्या लॉजिक बनता है यार? इतने बड़े हो गए हम लोग, बीवी बच्चों वाले हो गए हैं, फैमिली वाले हो गए हैं, आज भी किसी और की सुन के डिसीजन लेंगे? डिसीजन लेना है आपका खुद का होना चाहिए, अपनी आत्मा से सुनो। मैंने आपको हमेशा कहा है प्लीज सेलेक्टिव टीचर, मैंने एक वीडियो बनाई थी सेलेक्टिव ट्रेनर, कैसे सेलेक्ट करना है ट्रेनर को, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, वो देखो वो बंदा क्या सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, उस फ्री ट्रेनर हो चाहे पेड ट्रेनर हो, उसके वीडियोस देखो जाके, उसकी स्टडी देखो जाके, अगर वो बेनिफिशियल है स्टिक टू दैट पर्सन, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। और हाँ, जितने भी फ्री यूट्यूबर्स हैं जो पेड यूट्यूबर्स की इनकम जांचने में लगे हुए हैं, दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपनी थाली का घी देखिए, दूसरे की थाली का घी देखना बंद कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि आपकी थाली खाली रहेगी, दूसरे की थाली भरती रहेगी। एक टाइम आएगा जब आप विसल ब्लोअर बनने की कोशिश करेंगे और विसल ब्लोअर की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बड़ा समाज है, वजह है कि इसके कि आप लोगों को ये एक दिखाने की कोशिश करें कि देखो देखो ये लोग कितना लूट रहे हैं, कितना कितना सिखा रहे हैं। आप अपने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपनी स्टडीज़ को लोगों तक लेके जाइए, ईमानदारी से भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए जिसको भी आप समझते हैं, लोगों में चैरिटी करना चाहते कीजिए सर, किसने मना किया है? बट बेवजह किसी पे छींटाकशी करना, बेवजह किसी को ट्रॉल करना, बेवजह किसी को पिन पॉइंट करके गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, आपको सूट नहीं करता। जितने भी फ्री ट्रेनर्स हैं, फ्री एक्सपोजर्स हैं, एक्सपोज्ड फलाना एक्सपोज्ड, फ्री की पेड 1,00,000 रुपए वाली स्ट्रेटजी फ्री में, अरे भाई 1,00,000 रुपए वाली स्ट्रेटजी फ्री में तो दे दी, अपना टाइम भी फ्री में दो साथ में। जब बंदों को डाउट हो तो उस डाउट के लिए 24 घंटे अवेलेबल भी हो जाओ आप हर बार उसको अप्लाई करो। ये मतलब नहीं होता कि आपने बोला भाई मैंने एक वीडियो में डाल दिया उसको बार बार देख के सीख ले ऐसे हो जाएगा, नहीं। जब पर्सनल टाइम चाहिए तो पर्सनल टाइम की वैल्यू होती है, उसकी कॉस्ट होती है, यू हैव टू बियर दैट। तो स्टॉप सेइंग कि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, अगर आप फ्री में पढ़ाते हैं अच्छी बात है, आपके चैनल पर बहुत ज़्यादा फ्री का ज्ञान है, बहुत ही अच्छी बात है, ज्वाइन बटन बना के रखा है ना पैसे कमाने के लिए, तो अगर आप पैसे कमाने का एक्स तरीका निकालते हैं, पैसे कमाने का दूसरा बंदा वाई तरीका निकालता है, तो आप ये मत कहिए कि मेरी शर्ट आपकी शर्ट से सफेद कैसे। तो उससे एक और चीज अंत में आपको कहना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक बात है कि स्टॉक मार्केट से बड़ा ट्रेनर कोई नहीं है। इस मार्केट में इन्वेस्ट करो, सीखो, इस मार्केट को फीस दो और अपनी लर्निंग को पूरा करो, बिल्कुल सही बात है। पर दोस्तों कितनी फीस देंगे मार्केट को आप? जब आपको यही नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन में स्टडी करनी है तो फीस देते देते थक जाना। ये मार्केट समुंदर नहीं है, समुंदर से भी बड़ा समुंदर है, आप समझो ये ब्रह्मांड है। पूरी देश दुनिया का पैसा इस बाजार में खत्म हो जाएगा, तब भी आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, आपको स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में स्टडी करनी है। अगर आपको डायरेक्शन का ही नहीं पता तो क्या स्टडी करेंगे, इस मार्केट को कितना पैसा देंगे? और जितने लोग ये बोलते हैं कि हमने मार्केट से सीखा है, मार्केट से सीखा है, ये तो बताओ भाई कितना पैसा दे दिया मार्केट को? मैंने दिए 30-40 लाख रुपए, आप दे सकते हो?
अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने अपनी अपनी स्टार्टिंग में 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए दिए होंगे, किसी किसी ने करोड़ों रुपए भी दे दिए होंगे। तो जिसकी बड़ी औकात होगी ना, उसने 1-2 करोड़ भी दे दिए होंगे, उसके बाद वो सीखा होगा, सारे पैसा निकाल लिए होंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको 5-5 करोड़ के नुकसान हुए मार्केट में, पर सीखने के बाद फिर 5-5 करोड़ रुपए बना भी लिए वापस। आप समझते हैं क्या, आपके पास उतना पैसा है, आपके पास उतना टाइम है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के स्टॉक मार्केट करने बैठोगे और सारी लॉस की रिकवरी कर लोगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको ये समझना पड़ेगा। जी हाँ, मार्केट सिखाती है, पर सिखाएगी कब? जब आपके पास टाइम होगा। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो भैया पार्ट टाइम प्रॉफिट आएगा, पार्ट टाइम लॉस होगा, कभी प्रॉफिट आएगा कभी लॉस होगा। आप एक स्टैग्नेंट वे में, एक डिसिप्लिन्ड वे में मार्केट में ट्रैवल नहीं कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते, आप समझिए। और जब समंदर में तूफान आता है ना दोस्तों, उस समय जो नाव को संभाल पाता है असली नाविक वो होता है। दोस्तों शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न हुए। आपको जिसको भी गुरु बनाना है बनाइए, पर उसके लिए पहले आपको शिष्य बनना पड़ेगा। एकलव्य ने भी गुरु द्रोणाचार्य को ही गुरु माना था, मिले नहीं थे पर बहुत अच्छे धनुर्धर थे। वहीं अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली थी, उनको अपना गुरु माना था और वो भी बहुत अच्छे धनुर्धर थे। कौन जीता, किसके साथ कौन था, आप समझ सकते हैं किसकी स्किल्स कैसी थी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको क्या बनना है, एकलव्य बनना है एकलव्य बनिए, अर्जुन बनना है अर्जुन बनिए, बट कोई ना कोई आपका द्रोणाचार्य जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई आपका गुरु जरूर होना चाहिए। वो गुरु ये मार्केट भी हो सकती है जिससे आप खुद सीख जाएं, वो गुरु कोई फ्री ट्रेनर भी हो सकता है जिससे आप सीख जाएं, वो गुरु कोई पेड ट्रेनर भी हो सकता है, कोई भी सीख जाए। इसलिए गलत कोई नहीं है, ना तो फ्री के गुरु खराब है ना ही पेड गुरु खराब है, बट हाँ उसके लिए आपको एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको डिसिप्लिन लेके आना होगा, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना होगा, और हाँ शिद्दत से उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, अमल में लेके आना होगा। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी मैंने दी या किसी ने भी दी उसके ऊपर रातों रात पैसा बन जाएगा, उसके ऊपर आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको रियल ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, रिगरसली उस एक स्ट्रेटजी के ऊपर महीनों महीनों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास उतना पेशेंस है तो मार्केट में आपका स्वागत है, नहीं तो क्या होगा मालूम है, आज कोई कुछ कह रहा है आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कल कोई और कुछ कहेगा आप फिर से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आपका कभी भला नहीं होने वाला। दोस्तों हमारे जैसे यूट्यूबर या फ्री यूट्यूबर्स आपको समझाते समझाते थक जाएंगे कि सीखने पे जोर दो, सीखने से पॉसिबल है इस मार्केट में पैसा कमाना, बाकी कोई थंब रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है जो आपको यहाँ रातों रात लखपति बना दे। दोस्तों एक और चीज़ में बड़ी कमाल की आपको समझा देता हूँ, इस मार्केट में आपको हमेशा, चाहे बाजार बियर फेज में हो चाहे बाजार बुल फेज में, आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी बाइंग के स्टॉक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपको हर बार 15-20% की रिटर्न देंगे। ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी कि साल के अंदर में आपको 12 स्क्रिप्ट ऐसी मिल जाएं जो हर स्क्रिप्ट आपको 10-12-15% की रिटर्न दे दे। जी हाँ, ये स्टॉक मार्केट है, यहीं ये संभव है। आप सोचिए, एक एक साल में पैसा डबल होता है, 6-6 महीने में पैसा डबल होता है। अगर किसी ने 31 मार्च की वीडियो को देखा होता तो टाटा मोटर 60 से 120 हुआ पैसा डबल, रिलायंस इंडस्ट्रीज 900 रुपये से 2000 रुपये पैसा डबल। दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो आपके पैसे को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में डबल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे रात रात सपना आएगा, कोई स्ट्रेटजी बना लेंगे, स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। दोस्तों मेहनत करनी होगी, एनालिसिस करना होगा, चाहे गुरु की हेल्प से कीजिए चाहे बिना किसी गुरु की हेल्प से कीजिए, ये चॉइस आपकी है। आपकी कॉन्शियस से पूछिए, आपकी अंतरात्मा से पूछिए, अपने आप से पूछिए, अपनी फैमिली से पूछिए किससे सीखूं, बट सीखिए।